अब आपको मिलवाने वाली हूँ मैं एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत से। जनाब, अपना घर होना हर शख्स का ख्वाब होता है कि भाई हमारा अपना एक घर हो, खूबसूरत सा अपनी एक छत हो जहाँ पे हम सुकून से रह सकें। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसी शख्सियत भी है जिनका ख्वाब है कि पाकिस्तान में हर शख्स का एक अपना घर हो, जिसे उन्होंने एक विजन का नाम दिया है। उस विजन का नाम है 2040। तो बढ़ते हैं विजन 2040 की जानिब। अब हम आपको बताएंगे कि ये विजन 2040 आखिर है क्या, इसके मॉडल के मुताबिक कुछ जानेंगे जो कराची हैदराबाद मोटरवे पर तामीर किया जा रहा है। कमांडर बिल्डर्स का ये शानदार प्रोजेक्ट कमांडर सिटी, वेलफेयर सिटी का ये मॉडल 2025 तक मुकम्मल किया जाना है, जो विजन 2040 का पहला हिस्सा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर बिल्डर्स के चेयरमैन कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आप दोबारा से हमारे शो में, एक दफा दोबारा से आप कहूँगी मैं वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक विजन 2040 बेसिकली है क्या और इसको बनाने के पीछे मकसद क्या है आपका? देखिए, हम सब इस मुल्क में रहते हैं, हम सब इस मुल्क से बहुत प्यार करते हैं और हम सब की ख्वाहिश है कि ये मुल्क भी दुनिया में तरक्की करे जिस तरह इस वक्त तरक्की याफ्ता अकवाम हैं, और हम किसी के अंडर ना रहें, हम अपने पाँव पे खड़े हों। लेकिन जब हमने देखा कि 75 साल गुजर गए हैं और वो सब कुछ नहीं हो पाया जो हम सब का ख्वाब था, जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान को जिस तरह से देखा था कि ये मुल्क इस तरह से फ्लोरिश करेगा, उसने उस तरह से नहीं किया। अब उसके जो असबाब हैं उसको जब मैंने स्टडी किया एज इंडिविजुअल कि मैं क्या कर सकता हूँ आफ्टर माई रिटायरमेंट, फ़ौज से निकलने के बाद इस मुल्क के लिए इससे बेहतर मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसमें फिर मैंने एक विजन डिवाइस किया जिसको मैंने विजन 2040 का नाम दिया कि मैं ऐसी बस्तियां बसाऊंगा इंशाल्लाह इस मुल्क में जिसके अंदर मैं वो निज़ाम लेके आऊंगा जो हम सब की ख्वाहिश है कि इस मुल्क में होना चाहिए। अब ये नॉन पॉलिटिकल विजन है। देखें, पॉलिटिकल तरीके से तो हमने देखा कि तब्दीली नहीं आ रही, हमने सबको आज़मा लिया, हमने फ़ौज भी आई, उन्होंने भी 30 साल ज़ोर लगाया, ऑलमोस्ट तमाम सियासी पार्टियां हमने देख ली। अब आगे आहिस्ता आहिस्ता उम्मीदें दम तोड़ रही हैं और इस वक्त हमें कोई ऐसा ऑप्शन बेहतर नज़र भी नहीं आ रहा, तो क्यों ना मिलके हम सब अपना किरदार अदा करें और किसी